BSNL, made in India, 4G, 5G. He did. Um, and uh, yes, I'm, I, I, I'm tentatively planning to visit India again uh, next year. यूजर्स हैं या अपना सिम जियो वी आई एयरटेल से बी एस एल में पोर्ट करा चुके हैं तो आपके लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी यहां पर निकल के आ रही है जी जिया दोस्तों क्योंकि बी एस एन एल को टाटा और स्टार लिंक का साथ मिल चुका है पूरी सच्चाई आज के आपको बताने वाले दोस्तों वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा तभी आपके चैनल पर परिवार चैनल सब्सक्राइब कर ली वीडियो को लाइक करने दो नमस्कार दोस्तों स्वागत अपने यूट्यूब चैनल अभिनय टाइप चलिए आज कुछ नया जान लेते हैं तो दोस्तों जियो एयरटेल वोडोफोन आइडिया सबका बैंड बजाने आ रहा है बी के साथ एलोन मस्क का स्टार लिंक टेक्नोलॉजी सेटेलाइट से होगा इंटरनेट का विस्तार जी हाँ दोस्तों चले जाते हैं इसके बारे में पूरी जानकारी दोस्तों जैसे कि आपको हम जानते हैं कि सभी टेलीकॉम कंपनी जियो एयरटेल वोडाफोन आइडिया ने अपने रिचार्ज में 25 परसेंट से ज़्यादा बढ़ोतरी कर दिया है जिसके कारण आम जनता बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रही है जी हाँ दोस्तों इसी बीच एक नई खबर निकल के आ रही है बी एस एन एल के साथ मस्क की स्टार लिंक कंपनी सामने आ रही है जी हाँ दोस्तों और इंडिया में इसको मंजूरी यानी कि लाइसेंस मिल चुका है एलन मस्क ने खुद बताया है कि इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि हम किस तरीके से इसके बारे में काम करने वाले हैं और रिचार्ज प्लान बहुत ही सस्ते कर देंगे जी दोस्तों जिसके कारण बाकी सभी टेलीकॉम कंपनी को जैसे एयरटेल वी आई वोडाफोन जियो सभी को अपने घुटने टेकना पड़ेगा यानी कि अपने इस रिचार्ज प्लान को सस्ता करना पड़ेगा अन्यथा इनको कोई नहीं बूझेगा और सभी टेलीकॉम कंपनी की मनमानी नहीं चलेगी जिससे जिस तरीके से वह मनमानी कर रहे हैं आगे ग्राहक के साथ उनकी मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है क्योंकि जियो एयरटेल वी आई यह सभी टेलीकॉम कंपनी अपने रिचार्ज प्लान बहुत ज़्यादा महंगा कर दिया है जियो के सभी प्लान्स में बढ़ोतरी के कारण उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो अगर स्टार लिंक बी के साथ इंडिया में प्रवेश कर जाती है इनके सफल हो जाती है तो वह अपने नेटवर्क को काफ़ी कम समय में अच्छे से अच्छे विस्तार कर लेती है तो यह है, मान कर चलो कि जियो एयरटेल वी आई, वोडाफोन सभी टेलीकॉम कंपनी की मनमानी बिल्कुल भी नहीं चलेगी क्योंकि इनका नेटवर्क खतरे कम हो जाएगा और इनके ग्राहक कम हो जाएंगे उनका कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर प्रभावित हो जाएगा यह तक कि बहुत से जियो एयरटेल वी आई यूजर्स अपने सिम को बी एस एन एल में पोर्ट करा लेंगे यहाँ जियो एयरटेल वी आई ने ग्राहकों को ज़्यादा निराश किया है क्योंकि इन्होंने अपने रिचार्ज प्लान्स में पच्चीस परसेंट से ज़्यादा बढ़ोतरी करके नए रिचार्ज प्लान्स को मिल रहे हैं जी हाँ दोस्तों और जिससे आम जनता को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर परेशानी का सामना कर पड़ रहा है तो लेकिन अब नई टेक्नोलॉजी आने वाली है यानी कि नई टेक्नोलॉजी आने वाली है एलोन मस्क में इंडिया की में एंट्री हो चुकी है एलोन मस्क के पास सैटेलाइट की सुविधा है जिसके कारण उनका हर जगह टावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी वह सैटेलाइट के द्वारा ही सभी जगह पर अच्छे नेटवर्क फोर जी फाइव जी की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। अपने इस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ इंडिया में अपने नेटवर्क को विकसित करने जा रहे हैं जी दोस्तों जिसके उन्हें मंजूरी मिल चुकी है यानी कि इंडिया में उनको लाइसेंस मिल चुका है अब वह दिन दूर नहीं जब लोग इसके बारे में जान चुके होंगे चर्चा करेंगे अब सभी टेलीकॉम कंपनी वी आई वोडाफोन जियो एयरटेल्स की मनमानी नहीं चलेगी क्योंकि इनके रिचार्ज प्लान काफ़ी ज़्यादा महंगे हो चुके हैं और कोई भी ग्राहक इनको पसंद नहीं कर रहा है अब सीधे सभी टेलीकॉम कंपनी जियो एयरटेल वी सभी अपने सिम को बी में पोर्ट करा रहे हैं जी एस तो क्योंकि बी सरकारी कंपनी और बी के रिचार्ज प्लान काफ़ी सस्ते हैं जी एस तो इसी कारण ग्राहक बी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि इसके सिम को ज़्यादा से ज़्यादा बी आई बोडोफोन आइडिया से बी एस एन एल में पोर्ट करा रहे हैं जी तो क्योंकि लगातार बी एस एन एल के ग्राहकों की संख्या काफ़ी तेज़ी से यहाँ पर बढ़ रही है क्योंकि बी एस एन एल सरकारी कंपनी है और इसका नेटवर्क भी काफ़ी अच्छा है लेकिन यहाँ पर बी एस एन एल सरकारी कंपनी होने के कारण इसको सरकार की तरफ से ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया जा रहा लेकिन अब स्टार लिंक और बी एस एन एल और टाटा तीन कंपनी एक साथ जुड़कर इस बी एस एन एल को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं यानी कि अब अब वो दूर नहीं है क्योंकि बी एस एन एल अब स्टार लिंक के साथ जुड़ चुका है और हर जगह इसका टावर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सैटेलाइट के द्वारा ही सभी एरिया में सभी गांव शहर सभी जगह यहां पर इसका नेटवर्क काफ़ी अच्छा हो जाएगा और बी एस एन एल फोर जी फाइव जी की सुविधा आपको बहुत जल्द यहाँ पर कराने वाला है और इंटरनेट की भी सुविधा यहाँ पर तीन सौ एम बी पर सेकेंड के हिसाब से मिलने वाली है इनके स्टार लिंक एलोन मस्क की कंपनी अब इंडिया में इसकी एंट्री हो चुकी है बी एस एन एल और स्टार लिंक और टाटा तीनों ही कंपनी बी एस एन एल को बढ़ावा देने जा रही हैं और इस इसी बहुत जल्द टाटा और बी के साथ मिलकर एलोन मस्क अपनी सेटेलाइट को विकसित कर देंगे और सैटेलाइट के द्वारा बी के टावर सीधे आपको मिलने जाने जाएंगे और आपका यहाँ पर इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से चलेगा और जिसके कारण जियो एयरटेल वी सभी की को यहाँ पर मुश्किलों का सामना करने जा रहा पड़ सकता है क्योंकि इनके रिचार्ज प्लान महंगे हैं और अगर ये अपने रिचार्ज प्लान सस्ते नहीं करेंगे तो इनको कोई भी नहीं पूजेगा, इनकी इनका रिचार्ज प्लान कोई नहीं कराएगा इनका सिम कोई नहीं करा देगा और ये टेलीकॉम कंपनी ठप हो सकती हैं। तो इसी को देखते कह सकते हैं कि अब शायद जियो वी आई एयरटेल ये भी अपने चार्ज प्लान सस्ते कर सकते हैं अन्यथा बी को अब मार्केट में आने से कोई नहीं रोक सकता क्योंकि बी काफ़ी अच्छे मजबूत नेटवर्क के साथ स्टार लिंक के साथ यहाँ पर सैटेलाइट के सुविधा उपलब्ध कराने जा रहा है और सैटेलाइट के द्वारा ही आपको फास्ट इंटरनेट की सुविधा मिल जाएगी दोस्तों यदि आप बी को सपोर्ट करते हो या बी को चाहते हो कि जल्द से ज़्यादा जल्द से जल्द पूरी इंडिया में बी एस की यहाँ पर नेटवर्क चालू हो जाए तो आप इस वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और अपने एरिए में का नाम बताएं कि आप किस एरिया से हमारी वीडियो को देख रहे हो यदि आपके एरिया में बी की अच्छी सुविधा चल रही है तो आप इसको भी बता सकते हैं दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट में जाएंगे साथ नमस्कार जय हिंद जय भारत